और यहाँ पर अहम खबर शामिल करेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जानिब से अमरीका पाकिस्तान सब्ज इत्तेहाद को उजागर करने के लिए कराची समेत सूबे सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा। अमरीकी सफीर ने झम्पीर में अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल अक्वामी तरक्की USAID की माली आयनत के तहत कायम पावर ग्रिड स्टेशन और हवा से बिजली बनाने वाले एनर्जी मनसूबे का भी मुआयना किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरों में सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज वाटर का भी दौरा किया, जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी और अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल अक्वामी तरक्की USAID के दरमियान 1,20,00,000 डॉलर्स के इश्तराक के माहदे के जरिए कायम किया गया था। इस मौके पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि सूबे सिंध वापस आना मेरे लिए बायस मुसर्रत है। दौरे के दौरान खत्ते में अमरीकी सरमायाकारी और पाकिस्तान के साथ तआवुन को मजीद उजागर करने का मौका मिला है। फ्रेमवर्क बराए सब्ज इत्तेहाद मौजूदा और मुस्तकबिल में माहौलियात, तवानाई, पानी और माशी जरूरियात को मुश्तरका तौर पर पूरा करने में मदद फराहम करता रहेगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कराची में अमरीकी हुकूमत की माली माउनत से चलने वाले अक्वाम मुतहदा के हंगामी फंड बराए अतफाल यूनिसेफ के मंसूबे का भी दौरा किया। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान का भी दौरा किया और वहां मुख्तलिफ गैलरीज में कदीमी नवादरात और अशिया का मुशाहिदा किया। ठट्टा में मकली के तारीखी कब्रिस्तान गए, जहां उन्होंने सिंध के वजीर बराए सकाफत और हेरिटेज फाउंडेशन के नुमाइंदगान के हमरा सुल्तान इब्राहिम और अमीर सुल्तान मोहम्मद की 400 साल कदीम मजारों का जायजा लिया।